खंडवा जिले के पुनासा जनपद की ग्राम पंचायत दुधवास में अनियमितताएं हो रही है। ग्रामीणों ने सहायक सचिव पर मनमानी और अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव द्वारा मनरेगा की योजना के अंतर्गत काम किया था और इसके एवज में मजदूरी की राशि नहीं मिली। सचिव द्वारा मजदूरी की राशि निकाल ली गई है। सचिव ने फर्जी हाजिरी लगाकर लोगों की मजदूरी की राशि का दुरुपयोग किया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि आवेदन देने के बाद भी ग्रामीणों की शौचालय बनी नहीं है और उसकी राशि भी निकाल ली गई। एक मजदूरी करने वाले का राशन कार्ड भी नहीं बनाकर दिया जा रहा है। उस मजदूर को अपने परिवार का पालन करने के लिए बाजार से महंगे गेहूं और चावल खरीद कर लाना पड़ रहा है। 6 महीने से पंचायत नहीं खुली और पटवारी तो आते हैं लेकिन पंचायत लावारिस हो रही है। उच्च अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। मूंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। क्या समस्या है तुम्हारी? सर, हमारी ये समस्या, ग्राम पंचायत दुधवा से चाहूँ, एक मजदूरी काम कर रहा हूँ, मजदूर छे ग्राम पंचायत दुधवास में हमारी मिसेस न मन रेखा के अंतर्गत काम करते 2 हफ्ता, तो मैं कहा 2 हफ्ता का पैसा आज तक नहीं मिले। मैंने ये हमारा पास पूरा सबूत रखे थे, फिर 2 हफ्ता काम करे मैं आज तक भुगतान नहीं हो, फिर हमारा एक मेड़ मदान शौचालय मेड़ मदान का काम करा ले तो मैंने 17-18 में ओकालीन भी कई बार आवेदन दिए, वो काम भी नहीं करा लिया हमारे ने। कितनी राशि उसकी? 28,000 के आसपास थे सर। आपको प्राप्त हुई हो? नहीं हुई सर, पर्याप्त मेरे पास सबूत, इनके बिल वाउचर पूरे रखे हुए हैं। और फिर मेरा बड़े वाले भाई का शौचालय है, उसको भी कागज पे बना दिया, उसको भी आज तक भुगतान नहीं हो राशि, मतलब उन्हें निकाल के खा पी गए। कौन ने निकाल खा गया? सचिव ने फर्जी तरीके से पैसे निकाल लिए। आपके पास प्रूफ है? जी, मेरे पास सब प्रूफ है, उनके पूरे डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये सब पूरे रखे हैं डॉक्यूमेंट। ये मेरी समस्या सर, ये 3 समस्या सर मेरी, मैंने और गांव में बहुत सारी समस्या है मेरे लिए, तो गांव की समस्या भी ये 2 लाख रुपए मुकेश कैलाश छतर सिंह, उसके भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसके भी बेचारे आज तक। क्या समस्या है इनकी? उनकी समस्या ये सर कि उसका केस तो स्वीकृत हो गया जी 2019 में, ये मेरे पास उसके प्रूफ रखा है, उसके खाते में आज तक पैसे नहीं आए। वो जनपद में बोल जाते हैं, वो भी बेचारा कोई नहीं बोलते, हो जाएगा आगे से आएगा पैसा। तो आपने सरपंच सचिव से जाके बिल्कुल हर सब सब 3 साल से दौड़ रहे पैसे, परेशान हो, कहाँ तक बोल रहे सचिव सरपंच, हो जाएगा भैया, हो जाएगा आगे से। अधिकारियों से आपने कंप्लेंट करी? सब वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिला, सीओ साहब से, एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब। बेटा हो जाएगा, बोले अभी चुनाव चल रहा तो ये चल रहा तो फलाना चल रहा, 17 बहाने बाद कागज को रद्दी में फेंक देते हो, ये उनका काम है। और फिर एक ये सचिव है, ये मनरेखा के अंतर्गत काम करता है हमारा दुधवास। ये कौन है? ये चिचली का सचिव है, इसका नाम, ये गांव का नाम तो मेरे को नहीं मालूम कौन से गांव रहता है ये जी। ये ग्राम पंचायत दुधवास में मनरेखा के अंतर्गत काम करता है, और गांव वाले बेचारे बेरोजगार जिनने काम किया उसको भुगतान नहीं, और ये काम करता है। मतलब आपका कहना मतलब है कि जो काम पे नहीं जाता उसका पैसा नहीं? बिल्कुल उनकी 10-10 लाख की दुकानें हैं मुंदी के अंदर। अच्छा, उनका पेमेंट डलता है, उनके ग्रुप वाले को डालता पेमेंट, बाकी जो गरीब धड़के वाला जो होगा खाता पैसा डालता नहीं हो। आपको नहीं मिलता है? बिल्कुल, हमारा काम का हमका नहीं पैसा मिलने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिला बिल्कुल 1 रुपये नहीं मिले आज तक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।